कि दिल्ली में किस तरीके से 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण करवा दिया गया बहला फुसलाकर पैसे के दम पर। क्या आप हिंदू धर्म को छोड़िए या कोई और धर्म अपनाइए, लेकिन यहाँ के आदिवासी भाइयों ने धर्म को छोड़ो ये हमारे में हो जाओ, लड़का बच्चन की बिटियों के पाँव नहीं पड़ने देते, देवी देवालयों के पाँव नहीं पड़ने देते हैं, तो इससे हम अपने पुरखाता के हिंदू धर्म को छोड़ना नहीं चाहते। ये आदिवासियों का ये क्षेत्र है जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ। धर्मांतरण कराने वाले लोग यहाँ पे लगातार आते रहते हैं, लेकिन मुंह की खाते रहते हैं और लौटते रहते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के कल्दा गांव में हूँ। ये कल्दा गांव आदिवासी भाइयों का गांव है। ये वही गांव है जहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कथा चल रहा है। आप देख सकते हैं कथा पंडाल यहाँ से कुछ दूरी पे है और मैं एक आदिवासी क्षेत्र में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरे साथ आदिवासी लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये सब हिंदू धर्म को मान्यता देने वाले लोग हैं। आपने भी हाल ही में देखा कि दिल्ली में किस तरीके से 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण करवा दिया गया बहला फुसलाकर पैसे के दम पर, किस तरीके से उन्हें बरगलाया गया। लेकिन आप देखिए यहाँ के जो मेरे आदिवासी भाई हैं उनके ठीक पीछे आप देखिए सेरा जो है माता जी का मंदिर, आप देखिए जय माता दी लिखा हुआ है, शेरे वाली माँ का यहाँ पे मंदिर है और ये पूजा करते हैं। तमाम लोग आए, इन्हें बरगलाने की कोशिश की गई, इन्हें समझाया गया, बहलाया फुसलाया गया कि आप हिंदू धर्म को छोड़िए या कोई और धर्म अपनाइए, लेकिन यहाँ के आदिवासी भाइयों ने एक स्वर में कह दिया कि हमें हिंदू धर्म से प्रेम है, हम सनातन धर्म को मानते हैं और हम अपना धर्म नहीं छोड़ने वाले हैं। आइए हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कल्दा में बागेश्वर धाम सरकार की कथा चल रही है, कैसा माहौल है, क्या कुछ है। तो क्या नाम हुआ चाचा आपका? मुल्लू। मुल्लू आदिवासी। तो, अच्छा आप आदिवासी हैं जी। किस धर्म को मानते हैं आप? हम तो हिंदू धर्म। हिंदू धर्म को मानते हैं जी सर। तो जो लोग आके कहते हैं भैया ये धर्म छोड़ दीजिए, हम नहीं मानते उनके धर्म को, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो आते हैं कहने? हम कहते हैं यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारी धर्म को नहीं मानेंगे, हम अपने धर्म हिंदू धर्म को मानेंगे। कैसा है हिंदू धर्म? हिंदू धर्म बहुत अच्छा है। जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं लोगों को बहला फुसला, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो लोग बहुत बहलाऊ थे और कहें कि ये धर्म को छोड़ो, ये हमारे में हो जाओ, लड़का बच्चन की बिटियों के पाँव नहीं पड़ने देते, देवी देवालयों के पाँव नहीं पड़ने देते हैं, तो इससे हम कहते हैं आप मानते हैं कि मंदिरों में पाँव नहीं पड़ने देते या ऐसा है क्या कि मंदिर में घुसने नहीं देते आपको? हाँ ये तो हमें तो यहाँ हम सब घुसते हैं, यहाँ जाते हैं, कोई समस्या नहीं है। शास्त्री महाराज जी आए हैं, वो कह रहे हैं जो आदिवासी भाई हैं वो पहली लाइन में बैठे, पहले सामने बैठा रहते हैं, सामने बैठा रहे ना, तो उनके दिल में है जो है जातिवाद लाग लपेट, उनके दिल में है क्या? बिल्कुल ऐसा ऐसा कोई लाग लपेट नहीं है। तो क्या कहेंगे आपके यहाँ कथा चल रही, जा रहे हैं आप लोग? हाँ जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आदिवासी क्षेत्र में? बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है, यहाँ की जनता चाहती है जी। देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं? आते हैं सर, देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं। तो बताइए अभी तो कल्दा की चर्चा पूरे विश्व में हो गई है, हिंदुस्तान में नहीं विदेश से भी लोग कल्दा आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं। आते हैं सर, आते हैं। अभी तो आ रहे हैं शास्त्री जी का जो है कथा सुनने आ रहे हैं। बिल्कुल आते हैं सर। क्या कहेंगे आप शास्त्री जी के बारे में? अब शास्त्री जी के बारे में आप कैसे बताएं सर? देखें सामने, देखें बिल्कुल सामने बैठ के देखें जी, अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा थे, बहुत बढ़िया। जो लोग हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं या कोशिश कर, उन्हें आप क्या कहेंगे? उनको समझाएंगे, नहीं समझते आते तो फिर क्या करेंगे, समझाएंगे कि हम भाई देखो महाराज अपने गांव में आए हैं, बहुत जो बरगलाने वाले लोग हैं पीटा जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल पीटे जाए, बिल्कुल पीटा जाना चाहिए। आप आज आप अभी कुछ बता रहे थे, अभी हिंदू धर्म के बारे में आप कुछ बता रहे थे बिपिन भाई, आज ये थोड़ा तो यहीं के आदिवासी वनवासी हैं, ग्राम कल्दा है हमारा और तहसील पवई है, थाना सलिया है, जिला पन्ना एमपी मध्य प्रदेश जी। तो हम अपने पुरखाता के हिंदू धर्म को छोड़ना नहीं चाहते सर, क्योंकि हमारे मान पूज है और यहीं से पर्वत से पहाड़ से श्री राम जी गुजरे हैं, सबसे मिलजुल के माता बहनों से या चाहे शिवरी रूप में मिले हो, किसी रूप भी में मिले हो, जाके अपने चित्रकूट में फिर स्थापना कर ली गए, फिर आगे का रामायण आप सरकार फूल लीजिए। छुआछूत है क्या आपके धर्म में? हमारे में नहीं है सर, छुआछूत तो नहीं है, बड़ा आदमी छुआछूत हमको करते हैं, बाकी हमारे में छुआछूत नहीं है, हिंदू धर्म में छुआछूत नहीं है। ऐसे दो चार लोग हैं जो ऐसा करते हैं, अब वो भी बदल रहे हैं। बिल्कुल जी, समय के साथ बदल रहे हैं। कल्दा के बारे में बताइए, पहाड़ों पे बसा हुआ गाँव है, स्कूल के बारे में बताइए थोड़ा, यहाँ के रहन सहन के बारे में। स्कूल के लिए हमको कम से कम 1 किलोमीटर दूर पड़ता है सर, पहाड़ों चढ़ते हुए बच्चे जाते हैं, उससे छोटे छोटे बच्चे नाला के खाते, तो हम तो रास्ता भी चाहते हैं कि रोड हो जाती शायद तो अच्छी रहती, खोरी आती थी। तो शास्त्री महाराज अब आ गए हैं यहाँ तो कल्याण तो हो जाएगा यहाँ का, क्यों नहीं, वे खुद ही जानते हैं हमारी धरती पृथ्वी की। श्रीमान जी हमारे भगवान आज पूज पाज स्वामी आज विराजे हैं, तो हम भी उनकी कथा की भाग लेना चाहते हैं,
और सबसे यही अनुरोध करते हैं जनता हमारी ऐसी सुरक्षा रहे और सरकार से डरे ना, दूसर भाई से अच्छी शिकायत भी करे कि हमको ये बहकाता है, उल्टी सीधी बातें करता है। तो जो धर्म छुड़वाने वाले ठेकेदार आ रहे हैं और हम ना किसी की घूसखोरी खाते रहे हैं, बस हमारे यही हिंदू धर्म है। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पे कथा चल रहा, जा रहे हैं मिलने? जी सर जा रहे हैं। जाने अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो बताइए, ये आप आदिवासी क्षेत्र से हैं, सबसे ज्यादा इस समय जो धर्मांतरण कराने वाले लोग आने आदिवासी क्षेत्र में ही आ रहे हैं कि कितने जल्दी धर्म परिवर्तन करा दिया जाए। और यही कारण है कि जो शास्त्री महाराज हैं उन्होंने आदिवासी गांव को चुना कि यहां पे कथा कही आए। जो हमारे भाई आदिवासी भाई हैं जो एक इक्का दुक्का धर्म को छोड़ के जा भी रहे हैं वो रुके, तो क्या फर्क पड़ेगा उनके यहाँ आने से? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा सर। फर्क पड़ेगा जी जी, बहुत बड़ा धर्म हो रहा है यहाँ पे, धर्म हो रहा है। तो ये लाल झंडा भी लगाया आपने यहाँ पे, जी जी, लाल रंग माता रानी का, माता रानी का झंडा है। दिल से मानते हैं माता रानी, दिल से मानते हैं, पूरे मोहल्ले आते हैं, गांव आता है। हम राम के हैं और हम लोग राम के ही रहेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हम राम के हैं और राम के रहेंगे, और हम तो ज्यादा नहीं कह सकते। कंदा गांव हमारा जितना से हमको पता चला है कि महाराज जी आने वाले हैं, तो उतना से हमारा तो और दिल खुश है कि निश्चित तौर पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कल्दा गांव है, ये आदिवासियों का ये क्षेत्र है जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हूं। धर्मांतरण कराने वाले लोग यहां पे लगातार आते रहते हैं लेकिन मुंह की खाते रहते हैं और लौटते रहते हैं। यहां के आदिवासी समाज ने कहा कि वो भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, माता जी का मंदिर ठीक मेरे पीछे है, और आप देख सकते हैं मुंह तोड़ जवाब दिया है ऐसे नक्कारों धर्मांतरण कराने वालों का। अगर ये आपके क्षेत्र में भी आए इन्हें जूते से मार के भगाइए। एकत्रित रहिए, संगठित रहिए, हिंदू एकता बनाए रखिए। मेरा नाम आकाश सिंह है, आप लंका धन.com देख रहे हैं। शुक्रिया।